हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट कवर्क इन हिंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूज म्यूटेशन के बारे में। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अनलाइक क्वेरीज, म्यूटेशंस आर टिपिकली यूज टू क्रिएट, अपडेट, डिलीट डेटा और परफॉर्म सर्वर साइड इफेक्ट्स। मतलब कि जब भी आपको कोई क्रिएट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है डेटा और कोई सर्वर पे एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो उस केस के लिए हम म्यूटेशंस यूज करते हैं। फॉर दिस पर्पस टैंस्टैक क्वेरी एक्सपोर्ट्स यूज म्यूटेशन हुक। सो वी आर यूजिंग द यूज म्यूटेशन हुक टू क्रिएट, अपडेट और डिलीट डेटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से मैंने किया हुआ है। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर मैं नेम लिखता हूँ, टेस्ट डिस्क्रिप्शन है टेस्ट प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद है प्राइस 12। अगर मैं इसको करता हूँ ऐड प्रोडक्ट, अगर मैं F12 कर दूँ ताकि हम देख सकें कि ए पे हिट हुई है कि नहीं हुई है, तो ये प्रोडक्ट पोस्ट हो चुका है, ठीक है। और ए पे से रिस्पॉन्स अभी गेट की रिक्वेस्ट आएगी, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं ना। ये भी पोस्ट ही है, अभी गेट में चेंज होगा। अभी देख लेते हैं रिस्पांस क्या है। यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्ट ही चली है, ठीक है। अभी जब यहाँ पे गेट आ जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा वहाँ पे सेंड हो जाएगा, क्योंकि ये हमने सर्वर चला रखा है, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट्स की एपे कॉल हुई है। अगर मैं डायरेक्टली रिलोड भी कर दूंगा तो डेटा फिर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब देखा जाए तो डेटा ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हो आप कि गेट की एपे कॉल होगी और यहाँ पर भी गेट प्रोडक्ट्स हिट हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली डेटा क्या हुआ, ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर लिया मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि इसको अपडेट करना, ठीक है, या डिलीट करना। तो यहाँ पे मेरे पास डिलीट की ऑप्शन है। अगर मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि अपडेट करना मैंने इंस्टॉक, तो मैंने हटा दिया, तो पुट की ए पे कॉल हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे चेक करूँगा कि पुट की प्रोडक्ट पे मैंने अपडेट किया कि वो इंस्टॉक ट्रू ना करे, ठीक है, तो चेकबॉक्स हट जाना चाहिए, पुट चल गई है। जब दोबारा से यहाँ पे गेट का रिक्वेस्ट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ये चल रही है जब तक। मीनवाइल हम कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यूज म्यूटेशन हुक यूज करेंगे अपने रिएक्ट क्वेरी वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये रहा मेरा पूरा फुल फ्लेज कोड। किसी ने मुझे क्या कहते हैं पिंग भी किया था कि क्रट का ऑपरेशन पूरा का पूरा बना दो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यूज म्यूटेशन अभी यूज करूँगा, इसके बाद मैं ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रट के साथ ही मर्ज कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम चेक करते हैं अपने प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने ऐड प्रोडक्ट म्यूटेशन का एक वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पर यूज म्यूटेशन हुक किया, जिसमें मैंने फंक्शन बनाया क्रिएट प्रोडक्ट का, ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट क्या करता है, ये मेरे पास पोस्ट की एपीआई है, जो भी डेटा सेंड करोगे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो मैंने अभी क्या बनाया है कि मैंने जेसन सर्वर से फेक रेस्ट एपीआईस बना रखी हैं, ठीक है। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अब देख सकते हो लोकल होस्ट का इन्वायरमेंट है मेरा, ठीक है। उसके बाद जब ये ऐड प्रोडक्ट म्यूटेशन है, ठीक है, तो जब भी मैं हैंडल सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने क्या किया, फॉर्म डेटा से सारा वैल्यू लिया, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटिटीज फॉर्म डेटा। जैसे ही आया तो मैंने क्या किया, ऐड प्रोडक्ट म्यूटेशन वाला डॉट म्यूटेट, ठीक है। तो इसमें जो भी मेरे पास प्रोडक्ट का डेटा है, इसमें मैंने क्या किया, स्प्रेड कर दिया और इन स्टॉक बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दिया, ठीक है। अभी देख सकते हो कि ये इन स्टॉक वाला अपडेट हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी ए पे कॉल हो गई है कि हमारा क्या प्रोडक्ट है और इसका इन स्टॉक क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये अपडेट भी चल गई है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, जैसे ही हम सबमिट बटन पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो मैंने सारा का सारा फॉर्म का डेटा ले लिया, ठीक है, प्रोडक्ट का हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको पास कर दिया और इन स्टॉक क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो जैसे ही ऐड प्रोडक्ट म्यूटेशन वाला कॉल होगा, तो इसमें म्यूटेशन फंक्शन कौन सा है, क्रिएट प्रोडक्ट वाला। तो क्रिएट प्रोडक्ट पे जाएगा, एपीआई कॉल करेगा, जैसे ही सक्सेस रिटर्न होगा तो वहाँ पे हमने कंसोल कर लिखा है प्रोडक्ट एडेड। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कंसोल में मैंने लिखा हुआ प्रोडक्ट एडेड, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, उसके बाद क्वेरी क्लाइंट इनवैलिडेट कर देगा क्वेरीज आपके प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये था बेसिक सा कि जिसे कहते हैं कि हम यूज म्यूटेशन क्या, ये तो पूरा का पूरा फॉर्म ही है। तो जब भी आपको क्रिएट, अपडेट या डिलीट के एक्शन परफॉर्म करवाने हैं, तो हमेशा आपको यूज करना है यूज म्यूटेशन।
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यूज म्यूटेशन को यूज किया टैंस्टैक रिएक्ट क्वेरी में, ठीक है। और ये रहा एपीआई का, हमारे पास एपीआई डॉट जेएस थी जिसमें मैंने सारी एपीआईज रेडी करके रखी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करोगे यूज म्यूटेशन। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।